जौनपुर में अपना दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाइयां दी। आपको बता दें, इसके अलावा बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी परिणाम सामने आया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और फिर से अपना झंडा लहराएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और कमी कहां रही इसका पता भी लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने दिल्ली में भाजपा को जनता के नकारे जाने पर से बातें की। दल के मंच से कि आज जो भी रिजल्ट आए हैं दिल्ली चुनाव के, उसमें सिर्फ एक ही सबसे अच्छा पहलू है कि ये लोकतंत्र की विजय है। और जब हम मैदान में उतरे हैं तो किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। हमें अपनी जीत को भी अपना सिर ऊंचा करके स्वीकारना चाहिए और जो भी गलतियां हमसे छोटी बड़ी जिस भी स्तर पे हुई हैं उनको आगे संभालते हुए, ऐसा कोई भी मुकाम नहीं होता जो दोबारा हासिल ना किया जा सके। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर हमारी हार हुई है तो हम उनसे सीखते हुए पुनः अपना ध्वज वहां गाड़ने की एक कोशिश अवश्य करेंगे। देखिए, 2017 का चुनाव के लिए अभी बहुत समय है, 2 साल का समय बाकी है। फिलहाल हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था उनसे गठबंधन से लड़ा था और अभी भी हमारा वो गठबंधन बरकरार है। अभी भी वही बात मैं फिर कहना चाहूंगी, अभी 2 साल का समय है, क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या मोड़ बनेंगे, अगर गठबंधन होगा कि हमारे कौन सी सीट हमारे खाते में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, इसलिए अभी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते।